चली वोट डालने हैं, ये वही जनाब है। और ये खुद देखे, इन्हें हमने अरेंजर के साथ इन्हें अंदर भेजा था और ये इसको लेके जा रहे हैं। चोर चोर चोरी फड़े जो पूरा टोला फड़ा गया था, वैगनर गाड़ी में जा रहे थे, ये आधा जनता साहब एमपी बैग इन क्लोज नहीं करना। किनु क्लोज? क्लोज अंदर होता कि इथे होता वे? सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज टीवी। आप लोग इस वक्त वीडियो में देख सकते हैं इस शख्स को, बल्कि मैं इस तस्वीर को क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और डोनाल्ड ट्रंप में आपको थोड़ा सा भी कोई फर्क नजर आ रहा है तो बता दे। फर्क है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला डोनाल्ड ट्रंप जो है ये पंजाबी है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और वो वाले डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका के साबिक सदर है जो हाल ही में हार गए थे। ये वोट चोरी कर रहे हैं। वोट कैसे चोरी कर रहे हैं कि जहां पर वोट की काउंटिंग होती है वहां से एक बैग निकाल कर चले गए हैं। अब इस बैग का क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, इसका तो मुझे कोई इतना ख़ास इलम नहीं है। आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताए। इस शख्स को रंगे हाथों वहाँ पर नून लीग के जो वोटर्स थे उन्होंने पकड़ लिया। अब ये इलेक्शन आपको पता ही होगा कि NS-75 पर आज इलेक्शन हो रहा था और एक सूबाई हलका है वज़ीराबाद का, वहाँ पर भी इलेक्शन हो रहा था। नून लीग, PTI, तहरीक लब्बैक तीन पार्टियाँ जो है वहाँ पर मोस्ट पॉपुलर है। अब देखते हैं रिजल्ट के नतज क्या आते हैं, वो तो उस पर बाद में बात करेंगे। एक वीडियो में बनाऊँगा कि कौन जीता कौन हारा और पिछले इलेक्शन में कितने वोट किसको पड़े थे। लेकिन अब इधर देखें, ठीक है इल्ज़ाम मुख्तलिफ लोगों पर लग रहे होते कि जनाब उसने वोट चोरी किया, ऐसे किया वैसे किया। 2018 के इलेक्शन में बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन इस इलेक्शन में वाज़े तौर पर अब तो वीडियोस आना शुरू हो गई है। अच्छा, इस हवाले से मज़े की बात, मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया कुछ देर पहले कि वीडियोस आने लगी है बहुत ही ख़तरनाक। अब सब लोगों ने समझ लिया, अल्लाह खैर करे, अब किसकी वीडियो आ रही है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा के पास वीडियोज़ होती है, जजों की, अफसरों की, बहुत से लोगों की वीडियोज़ होती है उनके पास। आप लोगों को पता ही होगा कि एक जज थे एहतसाब अदालत के, अरशद मलिक साहिब, जो वफात पा गए, उनकी वीडियो भी उनके पास मौजूद थी। तो उन्होंने ये ट्वीट किया तो लोगों में बड़ा जनाब तशवीश पाई गई कि ये कौन सी वीडियो होगी। बहरहाल पता चला कि ये वीडियोस वोट चोरी की वीडियो है। बहुत अफसोसनाक है यार, कैसे आप पाकिस्तान के अवाम को धोखा दे रहे हैं। ये बेचारी कौम निकलती है, नींदें ख़राब करती है, नारे लगाते हैं अपने लीडर्स के लिए, फिर आप उनका वोट चोरी कर लेते हैं। और वोट चोर भी कोई, देख लें आप इसकी शक्ल, और भी बहुत सारे वोट चोर पकड़े गए हैं। नून लीग ने आज इस मरतबा वाकई पहरा दिया है अपने वोट पर, और अच्छी बात है। आप जब, आपका काम सिर्फ वोट डालना नहीं, अगर आपने अपने लीडर को मुंतखब करना है तो आखिरी दम तक आप उनके साथ खड़े रहे। और 2018 में जो इल्ज़ाम लग रहे थे अब उसके जो जनाब वीडियो सबूत आना शुरू हो चुके हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई बहुत ज़्यादा कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारे वोट के साथ क्या किया जा रहा है। कि सरे आम वीडियो चल रही है, कैमरा लगा हुआ है, पहले तो वो शख्स खामोश रहा, फिर उसने कुछ बताया भी अपनी तरफ से कि भाई ये तो ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। वोट उधर ही काउंट किया जाता है, पोलिंग स्टेशन के अंदर ही, और वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं। फिर आप किस तरह से बक्सा बंद करके वहाँ से आप लेकर जा रहे हैं, दैट मीन्स कुछ गलत है। तो इस इलेक्शन में गलत हुआ है, और पाकिस्तान के तकरीबन हर इलेक्शन में इस तरह से वोट चोरी हुआ है, ना सिर्फ 2018 में जो आप सिलेक्टेड कहते हैं ना, तो ये ऐसी बात नहीं है, अब हर इलेक्शन में ही पाकिस्तानियों के साथ ये हुआ है। उसकी बहुत सारी वजह है, निज़ाम की कमज़ोरी आप कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम भी माशाल्लाह, आपको पता ही है कैसी आवाम है कि बस वोट डालने गए तो बड़ी एहसान समझते कि हमने एहसान किया अपनी पार्टी पर। अगर आपने हुकूमत मुंतखब करनी है, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लानी है, तो आप अपने वोट को संभाले, वहाँ पर फहरा दे, क्योंकि वहाँ पर जो हुकूमत होती है वो कुछ भी कर सकती है। बहरहाल शर्मनाक है, लेकिन इससे ज़्यादा शर्मनाक डस्का में जो आज सूरत हाल हुई। पूरा दिन वहाँ पर असला चलाया गया, चलते रहे लोग वहाँ पर, सड़कों पर सरेआम फायरिंग होती रही, कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर खड़े रहे बेबस, पंजाब हुकूमत बेबस रही। एक नौजवान जिसका नाम साजिद बताया गया, PTI से उसका ताल्लुक था, इसकी तस्वीर भी इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको कत्ल किया गया। इसके अलावा नून लीग का एक वर्कर था जो पोलिंग एजेंट है, जिनका नाम जीशान बताया गया, उनकी तस्वीर मुझे मौसूल नहीं हुई, तो उनको भी वहाँ पर कत्ल किया गया। 7 लोग ज़ख्मी हुए जिनको हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, और रियासत हुकूमत पंजाब उस्तान बुजार यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। ऊपर से वोट चोरी का अमल जी भी चल रहा है, दैट मीन्स अगर आप इलेक्शन नहीं करा सकते, आप एक हलके को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो आपने पूरे पाकिस्तान के क्या खाक इलेक्शन कराने हैं। तो बराए मेहरबानी आप जाएं, हुकूमत छोड़ें, नए इलेक्शन करवाएं, आज़ादाना इलेक्शन हो ताकि नई हुकूमत आ सके। एक तो आपसे हालात कंट्रोल नहीं हुए,
डस्का जैसे इलाके को आपने एमक्यूएम वाला दौर जो अल्ताफ़ हुसैन का दौर था वो वाला इलाका आपने बना दिया। अब मुझे तो बड़ी हैरत हुई, बड़ा खौफ आया देखकर कि शुक्र है मैं इलेक्शन कवर करने नहीं गया, वरना मुझे था कि मैं जाऊँ, अगर मेरे पास कोई सहूलत होती इस तरह जाने की तो मैं ज़रूर जाता वहाँ पर और इलेक्शन को कवर करता। लेकिन बाद में लगा कि नहीं भाई, वहाँ पर तो जाना जो है ख़तरा था। तो टोटली फ्रॉड है, टोटली चोरी है, सरेआम हो रही है। अब तो वोटों की गिनती रोक दी गई है, इतनी कोई अफसोस की बात है कि वोटों की गिनती रोक दी गई है और मीडिया पर अब इस तरह से कोई फिगर्स नहीं आ रहे जिस तरह पहले आ रहे थे कि फलाना उम्मीदवार जीत रहा है, फलाना उम्मीदवार जीत रहा है। बहरहाल पीटीआई को केपीके में जो नौशहरा में इलेक्शन हुए थे, PK 63 आई थिंक हल्का है, वहाँ पर नून लीग ने उनको फारग कर दिया और उनको शिकस्त दी है। ये वो हल्का है जहाँ पर 2018 में PTI जीता था और ये हल्का परवेज़ खटक जो हमारे वज़ीर दिफा है उनका हल्का है। तो ये बड़ा बहुत बड़ा अपसेट है, इसमें कोई शक नहीं है। और NA 45 जो कुरम का इलाका है वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार है, हाजी साहब कोई है, वो वहाँ पर फ़िलहाल जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। NA 75 का इलेक्शन जो है वो मुंतनाज़ा हो चुका है। एक तो ये वीडियोज़ आई है उसके और उससे पहले पूरा दिन जो हालात ख़राब रहे, किस तरह से फायरिंग होती रही, तो ये सब कुछ तमाशे आप लोगों ने देख लिए। और बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे आ गए हैं, अब इन्होंने जो काम दिखाया, कारनामा कर दिखाया, अब ये है कौन इससे पूछेगा कौन। इब्तदाई तौर पर यही बताया गया ये कोई पोलिंग जो अमला है जो इलेक्शन कमीशन का, उन्हीं से उनका ताल्लुक है। और ये बता भी रहे साथ में कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है इसकी हिफाजत करना। और भाई तुम्हारी ज़िम्मेदारी है अंदर बैठकर गिनती करके फॉर्म 45 पर लिख कर देना, फिर आप ये वोट जो है किधर लेके जा रहे हैं। खैर उनको नून लीगियों ने पकड़ा, मरियम नवाज़ ने ये वीडियोस अपने अकाउंट पे शेयर की है। आपको यही बताना था कि यह इलेक्शन एक मरतबा फिर से मुतनाज़ा हो चुका है। जो भी जीते आपको कुछ नहीं मिलना, अपना अपने मुल्क का और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।